और अब हमारे बीच आ रही हैं कुमारी सान्या सिंह मध्य प्रदेश से। असंख्य कीर्ति रश्मिया वे कर्ण दिव्य दाहसी सपूते मात्र भूमि के रुको न शूर साहसी अराति सैन्य सिंधु में सुबाड़े वाग्नि से जलो प्रवीर हो जई बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। नमस्कार सम्मानित मंच एवं उपस्थित सदन, इस सदन की राय में विषय है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के संदर्भ में देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण। तो विषय को विस्तार देने से पहले सबसे पहला प्रश्न कि राष्ट्र क्या है, तो स्वयं व्यक्ति ही राष्ट्र है, यानी राष्ट्र बनता है जन जन से, राष्ट्र बनता है उसके नागरिकों से। यदि यूं कहूं कि राष्ट्र एक सांस्कृतिक इकाई है तो देश एक भौगोलिक, तो राज्य एक राजनीतिक इकाई है। और हमारे राष्ट्र गीत में भी है कि पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, यानी कि राज्यों की शक्ति का प्रयोग करते हुए एक राष्ट्रीय पहचान का निर्माण करना ही राष्ट्र निर्माण है। तो वही देशभक्ति एक गुण है जो हमें सिखाता है कि जननी जन्मभूमि स्वर्गदाप ये गरेसी, अर्थात जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। देशभक्ति से राष्ट्र निर्माण हो या राष्ट्र निर्माण से देशभक्ति, समूचे भारत को हम सब से सबका साथ और उसमें सबका विश्वास अपेक्षित है, तभी देश का एक परिवार के रूप में सबका विकास संभव है। अपनी बात को यदि मैं छोटी सी कहानी के तौर पर विस्तार देना चाहूं तो एक माँ ने अपने चार अलग अलग विचारधाराओं से युक्त बेटों को पास बुलाया, चारों को एक एक लकड़ी दी और बोली कि अब इसे एक एक कर तोड़ कर दिखाओ। अब एक एक कर चारों ने पलक झपकते ही लकड़ी तोड़कर माँ को दिखा दी। फिर माँ ने अच्छा खासा लकड़ियों का एक गट्ठा दिया और बोली कि अब एक एक कर इसे तोड़कर दिखाओ। अब चारों ने पसीना बहाया मगर गट्ठा नहीं टूटा। वे थक कर बोले, माँ ये नहीं टूट रहा, आखिर ये पहेली क्या है? तब मां ने कहा, अलग अलग रहकर अलग अलग विचारधारा से हमें कोई भी कभी भी तोड़ सकता है, लेकिन सभी एक साथ मिलकर एक विश्वास के साथ जिस दिशा में कदम बढ़ाएंगे तो हमारा विकास सुनिश्चित है। ठीक उसी प्रकार अगर औसतन 130 करोड़ देशवासी अलग अलग धर्म जाति संप्रदाय और समुदाय के लोगों की जनभागीदारी ये सब साथ मिलकर इस देश को चलाएंगे तो देश हर पल 130 करोड़ कदम आगे चलता जाएगा। और यही विचारधारा सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की अवधारणा को चरितार्थ करती है और इसी से राष्ट्र निर्माण संभव होता है, क्योंकि यहां ये सबका विकास सिर्फ इस देश के विकास मात्र के लिए नहीं अपितु राष्ट्र निर्माण के लिए प्रयुक्त है। लेकिन ये तब तक संभव नहीं होगा जब तक स्वयं को देशभक्त कहने वाला राष्ट्रवासी देश की दरारों को भरने के बजाय उन दरारों को सिर्फ ऊपर से ही ढकता रहेगा। जी हाँ, आज हमारा देश आजादी के 73 वर्षों के बाद भी त्राहिमाम कर रहा है। देश की बेटियां खतरे में हैं, सिसक रही हैं इंसाफ के लिए, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, छात्र सड़कों पर हैं, अखंड भारत खंडित हो रहा है सांप्रदायिक दंगों के कारण, शिक्षित युवा हताश है बढ़ती बेरोजगारी के कारण, तो वहीं हमारा वंचित वर्ग शिकार है अभी भी गरीबी और असमानता का बेलगाम पूंजीवाद के कारण। वर्तमान परिपेक्ष में यह अनेकों चुनौतियां सिर्फ प्रशासन की ही नहीं अपितु संपूर्ण राष्ट्र की चुनौतियां हैं। इसलिए प्रत्येक राष्ट्रवासी का यह दायित्व तो बनता है कि इन चुनौतियों से जंग लड़ने के लिए हम सब एक हों, यानी कि जब तक हम किसी समूह में या चर्चाओं में शामिल होकर यही कहते रहेंगे कि अरे कुछ नहीं हो सकता इस देश का, जी हाँ, तब तक हम मौजूदा इन चुनौतियों से उभर नहीं पाएंगे। यानी आवश्यकता है हमें खुद को इन चर्चाओं के मंच से बाहर निकालकर स्वयं को वास्तविकता की कसौटी पर साबित कर राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए संघर्ष करना होगा। खास तौर पर अच्छे लोगों को अपनी निष्क्रियता को त्यागना होगा, क्योंकि अच्छे लोगों की निष्क्रियता ही स्वार्थ की राजनीतिक विचारधाराओं को पनपने का अवसर देती है। हम कहते हैं कि आदिकालीन सभ्यता में सर्वश्रेष्ठ भारत हरदम हमारा अमिट स्वाभिमान रहा है, तो इकबाल भी अपने तराने में लिखते हैं कि या बेरूद ए गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि हमने अपने हजारों हजारों साल पुराने गौरवशाली अतीत को भुला दिया, भारत अपने सौ को विस्मृत कर बैठा, हम लगातार पाश्चात्य सभ्यता की पैरवी करने में जुटे रहे जिसका खामियाजा ही अब हम भुगत रहे हैं नैतिकता की ढहती दीवारों के रूप में। एक सवाल कि आखिर क्यों इंसान अपनी ही संस्कृति से इतना ऊब जाता है, क्योंकि पश्चिम में जाकर तो सूरज भी डूब जाता है। आवश्यकता है देश को उसके स्व में पुनः स्थापित करने के लिए हम पाश्चात्य देशों की नकल छोड़कर अपनी ही सभ्यता और अपनी ही प्रकृति के मुताबिक अपने विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। महात्मा गांधी जी के विचारों के मुताबिक कहूं तो नए युग के नए विचारों में हमको अपनी एकता के लिए नए सूत्रों को टटोलने की आवश्यकता नहीं है, हम अपनी संस्कृति को संभाले रहेंगे तो बने रहेंगे। हमारे यहां राष्ट्रवाद भी है और मानवता का विचार भी, लेकिन बात जब यहां मानवता की आती है तो यही मानवता आज विरोधाभासों में जी रही है। मानवता यानी कि इंसानियत,
लेकिन आज हम अपनी ही आंखों के सामने कहीं धर्म के नाम पर तो कहीं मजहब के नाम पर इंसानियत का कत्ले सरेआम होते देख रहे हैं। इसी मानवता का बंटवारा होता ही जा रहा है। लेकिन हम एक आदर्श वाक्य पर चलने की बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो हमें ये बात बहुत ही गहराई से समझने की जरूरत है कि अपने अंदर के इंसान को अगर हम जिंदा रखें तो हम सब इकट्ठा रह सकते हैं, नहीं तो इंसानियत को बांटने की कोशिशों का तो कहीं भी अंत नहीं है। गुरु गोविंद जी भी कहते हैं कि देह राम असीत सोई, पूजा ओ नमाज ओई, मानस सभी एक पई, अनेक को प्रभाव है, अलग अभेक सोई, पुराण ओ कुरान ओई, एक ही स्वरूप सभी एक ही बनाव है। यानी जरूरत इस बात की भी है कि मंदिर मस्जिद पूजा नमाज पुराण कुरान में भेद करने की बजाय धर्म जाति संप्रदाय सबसे परे होकर हमारी सिर्फ एक ही पहचान होनी चाहिए, वो है राष्ट्रीयता, क्योंकि कोई भी पहचान राष्ट्रीयता से बढ़कर नहीं होती। वैश्विक इतिहास अर्थात वैश्विक स्तर पर यदि अब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो हम देखते हैं कि हर देश संकट के समय अपने लोगों की देशभक्ति को जगाता है। जहां एक तरफ हमें अपनी सर्वोच्चता के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ रहे देशों द्वारा कहीं ना कहीं देशभक्ति का प्रतिस्पर्धी आह्वान देखने को मिला, तो वहीं एक ऐसी क्रांति जिसके फलस्वरूप विश्व का पहला एक ऐसा नया राष्ट्र वजूद में आया जिसने मनुष्यों की समानता और मौलिक अधिकारों की घोषणा की और पूरे विश्व में न्याय एकता व समानता का प्रसार किया। जी हाँ, अमेरिका क्रांति, जिसमें वहां के नागरिकों के संघर्ष और उनकी देशभक्ति ने राष्ट्र निर्माण का कार्य किया। यानी कि इतिहास खुद इस बात का साक्षी है कि हमेशा ही देशभक्ति का राष्ट्र निर्माण से और राष्ट्र निर्माण का देशभक्ति से अटूट नाता रहा है। और हम देखते हैं कि अमेरिका और रूस जैसी इन्हीं ऐतिहासिक क्रांतियों का ही प्रभाव है जो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के रूप में हमें दिखता है। अंततः गहराई से विश्लेषण करने पर अब हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर का इतिहास भी सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की अवधारणा को सिद्ध करता है। एक बात और कि आजादी के बाद से हमारे बीच में एक माहौल बन गया है कि जो करेगी सरकार करेगी, जिसके कारण ही जनता और सरकार के बीच की खाई गहरी होती गई। लिहाजा सरकार तो अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को निभा रही है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम जितना अपने अधिकारों पर बल देते हैं उतना ही अपने कर्तव्यों पर भी बल दें। इसलिए महोदय, इस सदन में मैं यह सिफारिश करना चाहूंगी कि हम सभी अपने अपने मौलिक अधिकारों के साथ साथ अपने मौलिक कर्तव्यों की भी पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ निभाएं, क्योंकि ये देश अधिकारों और कर्तव्यों के मिश्रित भाव से ही चल सकता है, वरना देश नहीं चल सकता। आज आवश्यकता है हमारे देश को उसके स्वामी पुनः स्थापित करने की। एक बात और कि आजादी के बाद से हमारे देश में आज राष्ट्रहित में मुख्य बाधक है समाज के बीच में ही मौजूद आतंकवाद जितनी ही विनाशक, भ्रष्टाचार और बलात्कार जैसी विभिन्न तमाम सामाजिक बुराइयां जो कि राष्ट्र के निर्माण में बाधा बनी हुई है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि बिनई न मानत जलधि जड़, गए तीन दिन बीत, बोले राम सकूप तब भय बिनु होई न प्रीत। अतः इन बुराइयों को खत्म करने के लिए समाज की जड़ मानसिकता में प्रेम पूर्ण संस्कार उत्पन्न करने में निष्पक्ष न्याय व्यवस्था, कानून प्रशासन व अनुशासन का कठोर व सख्त होना अनिवार्य है। इसलिए एक सुझाव मैं यहां रखना चाहूंगी कि आज अपराध और अपराधियों को खुराक देने वाली परिस्थितियों को भी बदला जाए। लोकमान्य तिलक जी कहते हैं कि मतभेद भुलाकर किसी विशिष्ट कार्य के लिए सारे पक्षों का एक हो जाना ही एक जिंदा राष्ट्र का लक्षण है। इसलिए जरूरत इस बात की भी है कि मीडिया, राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाने वाली मीडिया, समाज के बीच में मतभेदों को समाप्त करने में अपना अहम किरदार निभाए, ना कि व्यक्ति समाज और राष्ट्र के बीच मतभेदों को पैदा करने में। एक और सुझाव मैं यहां यह भी रखना चाहूंगी कि आज आवश्यकता है हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति में हम मानवीय मूल्यों को जोड़कर चरित्र निर्माण की दिशा में आगे बढ़ें, जिससे राष्ट्रीय चरित्र के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की बुनियाद युवाओं के यानी देशभक्त युवा भारत के कंधों पर रखी जा सके, जिससे पूरे भारतवर्ष को सबका साथ और सबका विकास के साथ ही सबका विश्वास भी प्राप्त हो सके। जब कांटा किसी और के पैर पर चुभे तो दर्द आपको भी हो, तो यही आपके असली देशभक्ति है। इसलिए आवश्यकता है हम मिलकर के अब उस वर्ग का भी विकास करें जिनके पास साधन नहीं है। जरूरत है हम अब सत्याग्रह से स्वेच्छाग्रह की ओर बढ़ें और वसुधैव कुटुंबकम की अपनी प्राचीन मान्यता पर चलते हुए सत्यमेव जयते की मूल भावना में रहकर राष्ट्र निर्माण में अपना नैतिकतापूर्ण योगदान दें। तो आइए इस पावन यज्ञ में हम अपना अपना गिलहरी प्रयास जारी रखें और मिलकर के इस देश के अंधकार को दूर करें कि आज मैंने सूर्य से बस जरा यू ही कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा, तम तमा के वो दहाड़ा मैं अकेला क्या करूं, तुम बेफिक्रों के लिए मैं भला कब तक लड़ूं, आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ू कुछ तुम लड़ो। जय हिंद, जय भारत।